अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट्स गाइडेड चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यमीस्ट है, सो ऑल माय लवली व्यूअर्स वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक मस्ट दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को एंड साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा फॉर अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। टुडे रेसिपी जो है वो अंडा कोरमा किस तरीके से बनाना है उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए जल्दी से। सबसे पहले जो हमने एक बड़ा प्याज यानी कि 1 बिग अनियन ले ली है, स्लाइसिंग में इस तरीके से उसकी कटिंग कर ली है। एंड इसके बाद जो स्पाइसेस यूज होने हैं वो है, सबसे पहले हमने जो है टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर जो है 1/2 टेबल स्पून यानी कि आधी चाय की चम्मच ले लिया है। इसके अलावा जो है कलवंजी यानी कि नगीला सीड्स हमने ले ली है 1 पिंच एक चुटकी। उसके बाद जो है रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्ची पाउडर हमने लिया है 1 खाने का चम्मच यानी कि 1 स्पून। एंड इसके अलावा जीरा पाउडर हमने लिया है 1 टेबल स्पून यानी कि सीमन सीड्स पाउडर एंड 1 चाय की चम्मच। उसके बाद 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, 1 चाय का चम्मच जो है हमने नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच हमने जो है कोरमे पाउडर लिया है, शान का आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, पेपरमिंट ले लिया हमने जो है वो 1 टेबल स्पून यानी कि दादरी मिर्च। उसके अलावा ड्राई कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून यूज किया है 1 चम्मच। उसके बाद 1 टमाटर ले लिया हमने, हरा धनिया ले लिया है, कोरिएंडर लीव्स, लेमन ले लिया हमने 1/2, एंड उसके बाद जो है 2 से 3 ग्रीन चिलीज ले ली हमने, सब्ज मिर्चें। एंड उसके बाद जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है 2 से 3 यानी से 2 से 3 जो है जो टेबल स्पून चाय के चम्मच ले ली है। इसके अलावा ग्रीन चिलीज हमने 2 से 3 को जो है राउंड शेप में ग्रीन चिलीज सब्ज मिर्चों को काट लिया है। कोरमे का पाउडर हमने फिर 1/2 टेबल स्पून लिया है एंड केचप जो है 2 से 3 जो है वो टेबल स्पून यूज होंगे, हमने कनोर के साथ यूज किए, आप कोई भी ब्रांड के यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है हमने बॉइल्ड एग, फुल बॉइल्ड एग आपने 6 ले लेने हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी चीजें कर सकते हैं। तो हमने इसको फुल बॉइल करके वाटर को ड्रेन कर दिया था और बाकी ये सारी चीजें अब बताते हैं किस तरीके से हमने जो है स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी जो है ये रेसिपी जो है वो बनानी है। एग्स को आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, जो है वो कट्स लगा लेनी है। कट्स लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। सो टुडे जो है मेरे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सो मैं आप सबका जो है बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने चाहती हूँ जो मेरे तमाम व्यूअर्स हैं, लाइकर्स हैं, कमेंटर्स हैं एंड माय लवली लवली सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी मींस अ लॉट। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करते रहिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन। एंड इसके अलावा जो है हम इस तरीके से सारे जो है एग्स को कटिंग कर लेंगे। लॉट्स ऑफ कुकिंग्स की वीडियो इस्लामिक की एंड हेल्थ केयर टिप्स की एंड स्टडीज की जो है वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, सो आप विजिट कीजिएगा। एंड जो है इस तरीके से जो है एग्स को हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, जो अपना कोरमे का पाउडर हमने 1/2 टेबल स्पून लिया था वो, और उसके अलावा ग्रीन चिलीज जो हमने कटिंग की थी वो, हमने इन दोनों को जो है स्पाइसेस को हमने ऐड करना है एग्स में। एंड उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा शेक करेंगे हम इसको राउंड शेप में एंड उसके बाद जो है हम इसको मैरिनेट करके समझे रख देंगे 20 मिनट्स के लिए, जब तक जो है हम अपनी ग्रेवी रेडी करेंगे जो कोरमे की है, तो उतनी देर के लिए हम इसको रख देंगे। उसके बाद जो हमने अपनी देगची में जो है आपके मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप ऑफ ऑयल ऐड करना है, 1 कप हमने ऑयल का ऐड कर दिया। उसके बाद जो है अनियन हमने जो है कटिंग में जो स्लाइसिंग में कटिंग की थी वो हमने ऐड ऑन कर देनी है और इसको मीडियम फ्लेम पर हमने जो है लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। ओवर डार्क ब्राउन शेप में आपने नहीं लेकर आना क्योंकि जो है ज्यादा डार्कर शेड होगा तो आपके कोरमे का कलर भी जो है वो ब्लैकर शेड में आ जाएगा, तो इस वजह से ये ख्याल रखना है आपने। और इसके अलावा जो हमने 1 टमाटर लिया था तो आपने इसको जो है ग्राइंडर में डाल देना है इस तरीके से कटिंग करके। उसके बाद जो है हमने अपने जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, प्याज जैसे ही हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो उसके बाद जो है हमने इसका पेस्ट रेडी करना है, इसलिए हमने जो है अब अपने प्याज को जो है लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। एंड इसके अलावा जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो जो है अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमारे जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज, अब हमने अपने प्याज को जो क्या करना है फ्लेम ऑफ कर देना है एंड प्याज को जो है हमने अपने जो है टमाटर में जो है ऐड कर देना है और इसको जो है हमने ब्लेंड करना है, एक स्मूथ सा पेस्ट जो है आपने रेडी करना है। आपने इसमें जो है फ्यू जो है वाटर ऐड करना है यानी कि 2 से 3 घूंट जो है सिर्फ पानी ऐड होगा क्योंकि हमने इसका थिक सा जो है स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है, नॉट अ लिक्विड फॉर्म में, तो इस वजह से।
एंड अब हम इसका पेस्ट रेडी करेंगे। और यहाँ पर जो है हमने ऑयल में जो है अपने जो है क्या ऐड करना है, ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने ऑयल में जो है अपने जो एग्स मैरिनेट करके रखे थे उसको हमने फ्राइड कर लेना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। ओनली 5 मिनट्स में जो है आपके ये लाइट गोल्डन ब्राउन मीडियम फ्लेम पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम इसको जो है लाइट गोल्डन ब्राउन करते हैं। आपने ख्याल रखना है कि इसको चमचे की मदद से जो है वो हिलाना नहीं, क्योंकि ये जो है फिर टूट जाएंगे। आपने जो है रुमाल की मदद से जो है इसको पकड़ना है एंड उसके बाद जो है इसको राउंड शेप में शेक करना है। तो इस तरीके से जो है आपके लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। एंड इस तरीके से जब लाइट गोल्डन ब्राउन आपके जो है एग्स हो जाएंगे, उसके बाद आपने जो है फ्लेम ऑफ कर देना है या फिर एक्सचेंज कर दें आप नेक्स्ट चूल्हे पे। उसके बाद जो है आपने एग्स अपने इस तरीके से निकाल लेने हैं अपने उसी बाउल में। निकालने के बाद जो है आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने जो है एग्स निकाल के साइड पे रख ली है। उसके बाद आपने इसी ऑयल में जो है आपने ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो हम ऐड करेंगे। ये हमारे एग्स जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, इसको हल्का सा हमने फ्यू मिनट्स भूनना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है अपने ऑल स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे मेजरमेंट के हिसाब से वो हमने ऐड ऑन कर देनी है। अगर आप मटेरियल ज्यादा लेंगे तो स्पाइसेस भी ज्यादा होंगे, अगर आप चीजें कम लेंगे तो स्पाइसेस भी कम होंगे। तो इस तरीके से आपने सारी चीजों को लेकर जो है वो चलना है। एंड इसके बाद जो है हमने टमाटोज का जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो हमने ऐड ऑन कर दिया है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है हमने क्या करना है, उसी जग में जो है हमने हाफ कप वाटर ऐड करके शेक करके हमने ये ऐड ऑन कर दिया है। एंड इसके बाद जो है हम इसको मिक्स आउट करेंगे। एंड मिक्स आउट करने के बाद जो है आपने क्या करना है, इसको ढककर छोड़ देना है। 5 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे ताकि जो है स्पाइसेस की तेजीपन खत्म हो जाए और हमारी ग्रेवी का ऑयल निकल आए और रेडी हो जाए ग्रेवी। इस तरीके से हमने जब ढक्कन उठाया तो इस तरीके से जो है वो ऑयल निकल आया है और रेडी हो चुकी है हमारी ग्रेवी। एंड जो है हमने अपने फ्राइड एग्स जो है वो हमने ऐड ऑन कर दी हैं। एंड फ्राइड एग्स को ऐड ऑन करने के बाद जो है आपने रुमाल की मदद से जो है उसको शेक करना है, मिक्स आउट करना है ताकि जो है एग्स हमारे टूटे ना। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो है आपने इसको जो है वो छोड़ना है 5 मिनट्स के लिए। हम इसको ढककर छोड़ देंगे। 5 मिनट्स आफ्टर ये ऑयल जो है वो निकल आया है और हमारे जो है एग्स के बीच में जो है हमने ऐड ऑन करना है 2 से 3 जो है टेबलस्पून जो है केचप यूज करेंगे हम। कनोल की आप कोई भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून। जब आप मटेरियल ज्यादा लेंगे तो सारी चीजें भी ज्यादा जाएंगी और जितना मटेरियल होगा उसके हिसाब से जो है आप अपनी चीजें कम या ज्यादा करेंगे। लेमन जूस हम अपना जो है वो ऐड ऑन करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस यूज होगा। एंड इसके अलावा जो है हम इसको जो है मिक्स आउट करेंगे। अपनी जो है मिक्स करने के बाद अब जो है हम इसको छोड़ देंगे, 1-2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या करना है, हमने 1-2 मिनट के बाद छोड़ने के बाद जैसे ही इसका जो है वो ग्रेवी का जो है बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो है हमने इसमें जो है अपना वाटर ऐड करना है। हम वाटर ऐड करेंगे और वाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, यानी कि बिल्कुल हाफ कप वाटर ऐड करेंगे, हाफ कप से भी थोड़ा सा ना वाटर ऐड करेंगे और उसके बाद मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसी तरीके से मिक्स करने के बाद जो है हल्का हल्का सा इसको मिक्स कर भी देंगे और उसके बाद जो है हम इसको ढककर छोड़ देना है 5 मिनट्स के लिए। और 5 मिनट्स आफ्टर जो है हम देखेंगे ऑयल निकल आएगा और हमारे जो है ये मजेदार से जो है ये देखें, हमारे जो है 5 मिनट्स बाद जो है ये मजेदार से हमारे जो है अंडा कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है। डिश आउट कर सकते हैं आप इस तरीके से। और इसके ऊपर क्या गार्निश करना है, हमने अपने जो है फ्रेश जो है ग्रीन कोरिएंडर लीव्स हम गार्निश करेंगे एंड हम ग्रीन चिलीज के साथ गार्निश करेंगे। और हमारी आज की जो है टुडे रेसिपी जो है वो कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से आप भी गार्निश कीजिएगा और उम्मीद है कि तमाम वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। सो ट्राई कीजिएगा गरम गरम चपाती के साथ और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि रेसिपी कैसी लगी आपको। एंड जो है बाकी कोरिएंडर लीव्स जो है वो हम जो है वो ऐड ऑन कर देंगे अपनी हंडिया में और इस तरीके से जो है हमारी रेसिपी कम्प्लीट होती है। सो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। सो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अगर सांस होने की वफा, तो मिलेंगे नेक्स्ट स्टूडियो में आपके गाइड के साथ। तो उतनी देर के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़। फी मानिल्लाह।